नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स के, जिसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए जब भी गिरावट में मिले। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं इन 5 शेयर्स के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, जो कि काफ़ी बेहतरीन और आने वाले समय आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न ये सारे स्टॉक्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है और जो मार्केट कैप है 43,000 करोड़ का है। करेंट प्राइस 179 रुपीज़ है और हाई लो की बात करें तो यहाँ पर ये 52 वीक हाई 186 का है और 52 वीक लो 86 रुपीज़ का है। अगर बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड का 27% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.56% का डिविडेंड यील्ड है। वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 51% है और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है, मतलब कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें 2099 करोड़ का है, तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है कंपनी का। और रिजर्व की बात करें 10,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो हर पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और ये कंपनी जो काम करती है वो डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन बातें हैं क्योंकि ये बिजनेस जो हमेशा चलने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रहेगा आपको इसमें इन्वेस्ट करना। अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट की बात करें तो चार्ट देखिए काफ़ी सॉलिड है। ये स्टॉक्स काफ़ी बार मौका दिया है ऑन डिप्स करने का, कभी भी गिरावट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते और सेल ऑन राइज कर सकते थे, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित रूप से इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। अगर बात करें लॉन्ग टर्म में रिटर्न का तो 6,000% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है वो है बिलफुल इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक भी अभी मूवमेंटम नहीं किया है, तो जो अभी स्टॉक है जो कि मूवमेंटम नहीं किया है, मतलब जो अभी अंडर वैल्यूड है इतने बुल मार्केट में, वो उसमें से एक है बिलफुल ऑफ इंडिया लिमिटेड। बिलफुल काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, 28,000 करोड़ का मार्केट है। करेंट प्राइस की बात है तो 1,264 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात है 0.22% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% है। प्रमोटर्स होल्डिंग 75% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी जीरो है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 333 करोड़ का है, तो काफ़ी बेहतरीन है। रिजर्व की बात करें 2,696 करोड़ का रिजर्व है। और बात करेंगे वहीं पर तो जो कंपनी है वो वॉशिंग मशीन बनाने का, रेफ्रिजरेटर का, एयर कंडीशनर का, माइक्रोवेव ओवेंस बनाने का, तो ये जो एप्लीकेशन से होम अप्लायंसेस उसको बनाने का काम करती है और कई सारे प्रोडक्ट इसको मार्केट को लीड करते हैं। साथ ही साथ कंपनी जो है अपने यूएसए में भी सर्विस देती है, तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और कंपनी जो है काफ़ी बेहतरीन अपना मार्केट शेयर भी रखता है। और वहीं बात करें लॉन्ग टर्म के रिटर्न का, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर बात करें देखिए यहाँ पर 1500% का रिटर्न दिया है अगर 2010 से बात करें। वहीं अगर कोई गिरावट में खरीदता तो और भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न यहाँ से आपको मिलता। वहीं अगला स्टॉक जो है तीसरा स्टॉक वह है डिक्सन टेक्नोलॉजी। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, आने वाले समय में ये मल्टी बैगर स्टॉक और भी बन सकता है क्योंकि ये पहले से भी मल्टी बैगर बन चुका है। ये एक बार जब मैंने आपको बताया था ये लगभग 2,000 रुपीज़ से 20,000 तक गया था, मतलब 10 टाइम्स का रिटर्न दिया और अभी भी ये स्टॉक जा सकता है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है और करेंट प्राइस की बात करें 4,600 के आसपास इसका करेंट प्राइस है। डिविडेंड की बात 0.02% है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 32% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। और कंपनी में जो प्रमोटर्स का स्टेक है मात्र 35% है। तो 35% ये देख करके बहुत सारे लोग सोचते हैं इस पर क्यों इन्वेस्ट करें, ये तो थोड़ा रिस्की है क्योंकि प्रमोटर्स का स्टेक कम है, लेकिन जो कंपनी का बिजनेस है काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड है, तो चाहे तो आप रख सकते हैं। अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग के बेसिस पे इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। डेट की बात करें 151 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर और नेट प्रॉफिट की बात करें 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो एनुअल प्रॉफिट है कंपनी का। रिजर्व की बात करें 726 करोड़ का रिजर्व है और जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है लार्जेस्ट होम ग्राउंड डिजाइन फोकस्ड सॉल्यूशन कंपनी है और देखिए ये काफ़ी चीज़ें बनाती है, एलईडी बनाती है और कंपनी जो है मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है बल्ब लाइट में, मोबाइल में, स्मार्टफोन में, सीसीटीवी में, डीवीडीआर में, ऑडियो वीडियो डिवाइस में, मतलब काफ़ी बेहतरीन है और जो मॉडर्न डिवाइस है वो बनाने काम करती है, तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।
अगर बात करें रिटर्न का, तो सबसे पहले हमने पहले ही बताया ये स्टॉक 2000 का, तो वहाँ से स्प्लिट हुआ 2000 से 20,000 का, वहाँ से स्टॉक स्प्लिट हुआ। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न अगर बात करें तो यहाँ पर जो गिरावट हुआ था 2019-20 में, तो वहाँ से ये लगभग 900% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं जब भी गिरावट में मिले। अगला स्टॉक है जो चौथा स्टॉक है टीटेके प्रेस्टीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। करेंट मार्केट कैप की बात करें 13,000 करोड़ का करेंट मार्केट कैप है। करेंट प्राइस की बात करें 9,416 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है। और बात करें डिविडेंड यील्ड का 0.53% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है 20.8% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.2% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 70.4% है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.06 डेट टू इक्विटी का रेशियो है। और टोटल डेट की बात करें कंपनी पर मात्र 83 करोड़ का टोटल डेट है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 237 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और रिजर्व की बात करें 1,491 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये कंपनी भी हर पैरामीटर्स पे काफ़ी सॉलिड है, और ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है मार्केट में अच्छा खासा शेयर रखता है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और जो रेवेन्यू आता है प्रेशर कुकर सेक्टर से 31%, 15% कुकवेयर से, 14% गैस स्टोव से, 12% मिक्सर ग्राइंडर से। तो इस तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्स है, मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। देखिए 21,000% का रिटर्न, जो कि एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न है। तो आप इस कंपनी में चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे भी ये स्टॉक जब गिरावट मिले तभी इन्वेस्ट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक। तो जब स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तब उसको बाय कीजिए, जब ओवर वैल्यूड लगने लगे उसको सेल कर दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं, प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो आप बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी महंगा है, 9,416 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है। अगर बात करें पाँचवें स्टॉक का, वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 1,050 रुपीज़ इसका करंट प्राइस है। और अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 13.8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0 है, डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो काफ़ी कम है 0.19 का। तो डेट काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर, मात्र 304 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट है 191 करोड़ का। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 63% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। और रिजर्व की बात करें 1,555 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अगर बात करें कंपनी के चार्ट का, तो चार्ट पे काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है, 1,464% का ये रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। ये स्टॉक हमेशा बाय ऑन डिप्स है और सेल ऑन राइज है, देख सकते हैं चार्ट काफ़ी सॉलिड है। हमेशा बाय ऑन डिप्स करते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब ये स्टॉक आपको कभी भी गिरावट में मिलता है। तो क्योंकि अभी ये स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो वेट कीजिए, वॉच कीजिए, जैसे गिरावट मिलता है तो इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये पांच बेहतरीन स्टॉक थे जिसमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और गिरावट में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेक्टर ऐसे भी काफ़ी बेहतरीन है, कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स इस सेक्टर ने दिए हैं। तो ये सारे स्टॉक्स जो आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो आप चाहें तो इन सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के होल्ड कीजिए और अपना वेल्थ क्रिएट कीजिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।